नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत और चीन के बीच बातचीत अब हाशिए पर पहुंच गई है। ईस्टर्न लद्दाख के पेंगोंग झील में 29-30 अगस्त की रात की झड़प की खबरों ने तमाम बातचीत को किनारे कर दिया है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने इस झड़प की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस झड़प में भारतीय सैनिकों ने चीन को करारा जवाब दिया है। बताया जा रहा है कि इसमें चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस झड़प में कितने चीनी सैनिक बाऊघाट पहुंचाए गए अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, मगर बताया जा रहा है कि भारत की सेना इस बार पूरी तैयारी में थी, जिसमें चीनी सेना को बड़ी क्षति उठानी पड़ी है। गौरतलब है कि पेंगोंग झील के इलाके में दोनों देशों की सेनाएं पहले से ही आमने सामने थी, जिसमें 500 से ज्यादा सैनिकों ने भारत क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की, मगर भारत के वीर जवानों ने इस घुसपैठ को पूरी तरह नाकाम कर दिया। जिस तरह से पेंगोंग में झड़प हुई है वह पूरी तैयारी के साथ हुई है। इस झड़प को भारतीय सेना द्वारा गलवान का बदला भी माना जा रहा है। खबर है कि 29-30 की रात को इस झड़प के बाद चीनी सैनिक करीब आधा किलोमीटर पीछे धकेल दिए गए हैं, जिसमें ज्यादातर चीनी सैनिक डरकर अपना मोर्चा छोड़कर भागे हैं। दरअसल भारतीय सेना द्वारा यह कदम ऐसे मौके पर उठाया गया है जब लद्दाख के पेंगोंग झील इलाके में चीन पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश में था। बड़ी संख्या में चीनी जवान पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर रात के समय में यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहे थे। ड्रैगन की इस नापाक साजिश को भारतीय सेना ने जोरदार कार्रवाई करके पीएलए में हाहाकार मचा दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से भी खुलासा हुआ है कि इस इलाके में झड़प के लिए चीन ने 2 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी थी, मगर भारत के सूरवीर इस बार ज्यादा तैयारी और आक्रामकता से आए थे, जिन्होंने चीनी सेना के खेमे में घुसकर ऐसा तूफान मचाया कि चीनी जवान दहशत में 500 मीटर तक पीछे भाग खड़े हुए। जिस स्थान पर यह झड़प हुई है वह पेंगोंग झील के दक्षिणी तट के पास का इलाका है। यहां न केवल चीनी सैनिक तैनात थे बल्कि उनकी मदद के लिए बड़ी संख्या में सैनिक पूरे पेंगोंग इलाके में डटे हुए थे। लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना ने धावा बोला उससे चीनी सेना में भगदड़ मच गई। चीन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय सेना इतनी कड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। यही वजह है कि जैसे ही इंडियन आर्मी के जाबाज उन पर टूटे, चीनी सेना को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बड़ी बात यह है कि भारत को इसमें नुकसान की कोई खबर नहीं है, जबकि अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें पीएलए के काफी सैनिक हताहत हुए हैं। कितने मारे गए हैं फिलहाल इसकी पुष्ट जानकारी नहीं आई है, मगर चीनी सेना में भारी नुकसान की खबर ने चीन में हड़कंप जरूर मचा रखा है। ईस्टर्न लद्दाख के पेंगोंग झील के फिंगर फोर से चीनी सैनिक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि चीन कह रहा था कि उसके सैनिक फिंगर पांच पर लौट आए हैं, मगर इस झड़प ने अब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। वैसे इस इलाके में पहले ही टेंस की स्थिति बनी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस झड़प की खबर की पुष्टि करते हुए कहा है कि भारत पूरी तरह शांति चाहता है। रक्षा मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि चीन की पीएलए ने पेंगोंग में एक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की है, जिसके बाद भारतीय जवानों की तरफ से उन्हें करारा जवाब दिया गया। 2 दिन से चीन की सेना इसलिए भी बौखलाई हुई थी क्योंकि गलवान में माओघाट पहुंचे उसके 35 जवानों की कब्र की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इस घटना से चीनी सेना पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहा है। शायद पीएलए फिर से ऐसी कोई स्थिति बनाकर बदला लेने की फिराक में थी, मगर भारतीय सेना ने पीएलए को एक बार फिर से कूट दिया। इस बार ऐसा कूटा कि पीएलए भागती नजर आई। इंडियन आर्मी ने इस जवाब से चीन को खुली चुनौती दी है कि अगर वह अप्रैल 2020 वाली स्थिति में नहीं लौटा तो अंजाम इससे भी कुछ भयानक हो सकता है। भारतीय सेना किसी भी मुकाबले के लिए पहले ही तैयारी कर चुकी है। गलवान की झड़प चीन द्वारा पीठ में छुरा घोंपने वाली घटना थी, मगर पलटवार भारत की तरफ से किया जा रहा है। चीन सिर्फ एक बार धोखा दे सकता है। वे बार बार ऐसी हरकतें करेगा तो 29-30 अगस्त की रात को जो सबक सिखाया गया आगे इससे भी बड़ी चोट पहुंचाई जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कूटनीतिक शब्दों का उपयोग करते हुए सदावा बयान दिया है, मगर जानकार मान रहे हैं कि यह एक सीमित सर्जिकल स्ट्राइक है। इसके संकेत भी पिछले हफ्ते CDS बिपिन रावत ने सैन्य विकल्प की बात करके दे दिए थे। उन्होंने ऐसा कहकर भारतीय सेना को खुली छूट पर मोहर लगाई थी। इस बात का अंदेशा उसी वक्त हो गया था कि जिस प्रकार 18 बार की बातचीत बेनतीजा रही है उससे भारत के सबर का बांध टूट गया है। अब देर सवेर भारतीय सेना चीन पर एक्शन ले सकती है। यह सर्जिकल स्ट्राइक थी अथवा चीनी सेना द्वारा उकसावे वाली कार्रवाई, इसका पटाचेप जल्दी ही हो जाएगा। मगर अब भारत चीन के बीच जंग की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है, क्योंकि दोनों देशों में जिस तरह तनाव बरकरार है और जंग के लिए सेना एक दूसरे के आमने सामने है, यह झड़प उसमें आग में घी डालने का काम कर सकती है। चीन पहले ही अपने 35 से 40 सैनिकों को भारत से गंवाकर दुनिया में शर्मिंदगी झेल रहा है। अगर इस झड़प में उसके सैनिक मारे गए हैं तो चीन की जमकर जगहसाई होना लाजमी है। ऐसे में सीमा पर बारूद भभक जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
पर भारत हर स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत जवानों के सुरक्षित और सही सलामत होने की खबरें उनकी तैयारियों को दर्शाती है, जबकि पीएलए की सीक्रेट आर्मी को जो मार पड़ी है वह उनके सुपर पावर की बकलोली को साबित करता है। इससे यह भी तय हो गया कि अगर चीन इसी तरह नो मैन्स लैंड में बदलाव की कोशिश करेगा तो भारत की तरफ से उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस घटना ने चीन को यह भी बता दिया है कि भारत कैसे 1962 वाला भारत नहीं रहा है। 2020 वाले भारत के पास ताकत, क्षमता और आक्रामकता बहुत ऊपर जा चुकी है। इसका मुकाबला करना पागल लफंडर आर्मी के बूते की बात नहीं है। भारत को छेड़ोगे तो घर में घुसकर मारेंगे, और इस बार चीनी सेना की पोस्ट पर जाकर ही उनकी रीढ़ तोड़ी है। रीड पहले भी तोड़ी थी, पर इस बार फर्क यही है कि भारतीय जवानों ने अपना बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने दिया है। जो भी गिरा चीन का गिरा, उसी की पोस्ट पर गिरा, और भारतीय जवानों ने अपने बहुबल से गिराया है। इस घटना के बाद चीनी सैनिक अपने घायल सैनिकों को उठाकर भागे हैं। ताजा स्थिति क्या है इस बारे में रक्षा मंत्रालय ज्यादा कुछ नहीं बता रहा है, मगर मीडिया रिपोर्ट्स अपने अपने आंकड़े पेश कर रही है। कुछ का कहना है कि इस झड़प में चीनी सेना का कर्नल भी माओघाट पहुंचा है। हालांकि यह सिर्फ दावे हैं, इसलिए हम इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं करते हैं, मगर 29-30 अगस्त की रात की झड़प गलवान झड़प से कमतर नहीं बताई जा रही है। इसमें बड़ी संख्या में सैनिक भाग ले सकते हैं। इसकी वजह यह है कि पेंगोंग झील के इलाके में इस बार दोनों तरफ भारी संख्या में सैन्य बल मौजूद है। यहां दोनों देशों ने एक दूसरे के मुकाबले में समान जवान तैनात किए हैं, इसलिए इस झड़प में दोनों ही तरफ से बड़ी तादाद में सैनिक मौजूद रहे होंगे। सर्जिकल स्ट्राइक की स्थिति में भी यहां जरूर कुछ ना कुछ बड़ा हुआ होगा। वैसे भी कोई से सर्जिकल स्ट्राइक बता रहा है, जबकि कोई से खूनी झड़प कह रहा है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक बताने वालों का तर्क यह है कि ऐसे मिशन रात के अंधेरे में अंजाम दिए जाते हैं, लेकिन घुसपैठ भी रात के अंधेरे में होती है। बहरहाल भारतीय सेना ने पेंगोंग इलाके में चीनी सेना को बढ़िया सबक सिखाया है। यह सबक चीनी सेना आसानी से नहीं भूलेगी। भारत की सेना उसे जंग के हर मोर्चे पर ठोकने को न सिर्फ तैयार है, बल्कि ऐसा करने का मादा भी रखती है। भारत बातचीत में समय व्यर्थ करने के मूड में नहीं है, बल्कि 1962 के बदले को पूरा करने के लिए जोश से भरा है। यदि चीन इसी तरह धूर्तता जारी रखे रहा तो उसकी कीमत उसे बीजिंग के तबाही के रूप में चुकानी होगी। साथ ही तिब्बत को आजाद कराने की कसक हर भारतीय के दिल में है। उसकी आजादी की इबारत भी इसी बार लिख दी जाएगी। चीन जिन हथियारों को दिखाकर खुद ही तोपची बन रहा है, वह उसकी मीडिया की टीआरपी बढ़ा सकते हैं। भारत तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जाना जाता है। कल दिया गया जवाब मुंह तोड़ के साथ रीढ़ तोड़ की याद भी चीन को जरूर दिला रहा होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।